अजमेर और यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम। वाराणसी में शाम 5:30 बजे 25,000 महिलाओं के साथ मातृशक्ति सम्मेलन करेंगे पीएम। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बिहार के पूर्वी चंपारण, जनता को करेंगे संबोधन। दोपहर 12:30 बजे पीएम महाराजगंज में करेंगे रैली। महाराजगंज के बाद से दोपहर 3:45 पर प्रयागराज में जनता को करेंगे संबोधन। हरियाणा और दिल्ली में जेपी नड्डा का चुनावी प्रचार रोहतक में सुबह 10:30 बजे के आसपास रोड शो। जेपी नड्डा दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे सोनीपत, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लेंगे भाग। जेपी नड्डा दिल्ली के पालम में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो, रात 8 बजे पीतमपुरा में जनसभा। आज ओडिशा में अमित शाह के कई कार्यक्रम, सुबह 10:30 बजे संभलपुर में चुनाव प्रचार। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे क्योंझर में करेंगे जनता को संबोधित, बीजेपी के विकास कार्य गिनाएंगे। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे ढेंकनाल में करेंगे चुनावी प्रचार, शाम 4 बजे नयागढ़ में सभा। सोमवार को चुनावी प्रचार के दौरान बोले अमित शाह, 4 जून के बाद से राहुल गांधी शुरू करेंगे कांग्रेस ढूंढो यात्रा। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतने में चाहती। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर कसा तंज, कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरा, कहा कि कल तक टीएमसी कांग्रेस को गालियां दे रही थी और आप आज कह रहे हैं कि गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। पीएम मोदी ने टीएमसी से बंगाल के लोगों और बंगाल की पहचान को बताया खतरा, कहा कि बंगाल में दंगे आम, बात टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। पटना में दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा कि सपने में भी पीएम मोदी को कांग्रेस डरा रही है। हरियाणा के अंबाला में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे प्रचार, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन, छठे चरण से पहले पश्चिमी मिदनापुर में एसपी को हटाया गया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 60.09% मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 40 साल के बाद टूटा रिकॉर्ड वोटिंग का जो मामला है, और बारामूला में 69% वोटिंग हुई है, 1984 में 58.90% वोटिंग हुई थी। झारखंड और दिल्ली में गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, जनता से करेंगे गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील। आज कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, साथ ही जनता को करेंगे संबोधित। विदेशी फंडिंग को लेकर आप पर ईडी का आरोप, ईडी ने सौंपा गृह मंत्रालय को एक डोजियर जिसमें 2014 से 2022 तक 7 करोड़ से ज्यादा का विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। आपने ईडी पर लगाया आरोप, कहा कि ईडी के जरिए बीजेपी की यह नई साजिश है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, शाम 5 बजे दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कि मोदी जी और शाह जी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया खुला चैलेंज, कहा कि अगर हमसे ज्यादा नौकरी दी हो तो बताते, राजनीति से संन्यास ले लो। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश कुमार से प्यार और स्नेह हमेशा रहेगा, हम उनको अपने पिता के रूप में देखते हैं। संत कबीर नगर में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रैली की, जनसभा के दौरान हंगामे की तस्वीर देखी। सिद्धार्थनगर में अखिलेश ने गठबंधन इंडिया की जीत का दावा किया, कहा कि 4 जून को गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनसभा के लोगों को गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धि। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, यहूदी, क्रिश्चियन, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को टारगेट बनाने वाले थे। दिल्ली में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने रैली की, बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में मांगा वोट। गुजरात के कच्छ में पैराग्लाइडिंग से गिरने से एक पर्यटक की मौत, झारखंड का रहने वाला था मृतक। कोलकाता में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सिसोदिया का रोड शो। चारधाम की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को सीएम ने दिए दिशा निर्देश। चमोली रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर वन प्रभाग की कार्रवाई से अब यात्री परेशान, यात्रियों ने वीडियो जारी करते हुए अपनी आप बीती सुनाई। श्रीनगर में केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के चलते सड़क पर लंबा जाम लगा है, तस्वीरें।
ऊटी से नीलगिरी में 126वीं पुरुष प्रदर्शनी लगी है। बारिश के दौरान पर्यटकों ने छाता ओढ़कर फूलों का दीदार किया। दिल्ली के करोल बाग इलाके में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। जूनागढ़ में बाइक पर हाथ छोड़कर बंदूक लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ा। कोपल में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी दुकानों से निकलता रहा काला धुआं, करोड़ों का नुकसान। पुंछ की कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा के पास में पिछले 18 घंटों से भीषण आग लगी है, सेना की तरफ से आग बुझाने का काम जारी। तिरुचिरापल्ली में बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, घरों में घुसा बारिश का पानी। तिरुचिरापल्ली में सड़कों पर जल जमा हुआ है, यातायात ठप, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में लगातार गर्मी के मार, 47 डिग्री के पार तापमान। धर्मशाला में भी हीटवेव के चलते स्कूलों का समय बदला गया, सुबह 7:30 बजे खुलेंगे स्कूल, डीसी ने जारी किया आदेश। कांगड़ा में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा। पुणे में भीषण गर्मी झेल रहे, बारिश के चलते लोगों को अब राहत मिली, बारिश के चलते तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र के वाशिम में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। नवसारी में 350 से ज्यादा एसी की चोरी, मामले में गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की तलाश जारी। सूरत में पुलिस को कामयाबी मिली, 14 डॉक्टर से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी पकड़े गए। सवाई माधोपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया, मामला इसके ऊपर दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया, लोगों ने पुलिस की टीम पर यहां पत्थरबाजी भी कर दी। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान 5 युवक डूब गए, 5 की मौत। झारखंड के रामगढ़ में एक बुजुर्ग की मौत, मतदान के लाइन में खड़े बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। छपरा में बीजेपी समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ पर झड़प और मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामले को करवाया जांच। सुकमा में 1 लाख के नामी समेत 10 हार्डकोर नक्सलियों को जवानों ने किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक पिकअप 30 फीट गहरी खाई में गिरी, जिसमें 18 लोगों की हुई मौत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने घटना का जायजा लिया। कानपुर में 200 सीसीटीवी कैमरे के सहारे पुलिस ने रेप की कोशिश करने के आरोपी आकिब को पकड़ा है। सूरत में इंस्टाग्राम पर बने दोस्त ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी, धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आईएमए मां और बेटे पर सोते वक्त हुआ हमला, अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी। नालंदा में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के 5 शिक्षकों के साथ मारपीट कर दी। रुड़की में 130 रुपए के लिए दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, एसएसपी ने किया खुलासा। हनुमानगढ़ में पुलिस ने 3 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, आरोपी ट्रॉली छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार। विकासनगर में लिफ्ट में फंसे हुए छात्रों के लिए देवदूत बने पुलिस, गैस कटर के सहारे 6 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। नालंदा में ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर स्कूल जा रहे 2 बच्चों और पिता पर पलट गया, हादसे में 1 बच्चे की मौत, 2 जख्मी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में शिव मंदिर में चोरों ने चोरी की कोशिश की है, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आईपीएल में राजस्थान और कोलकाता का मैच हुआ था, तो आईपीएल के 3 मैच बारिश के चलते नहीं हो पाए। विराट कोहली ने क्रिस गेल को जर्सी गिफ्ट की है, कहा कि काका अगले साल आईपीएल में वापसी करें। आज कोलकाता और हैदराबाद के बीच में मुकाबला, अहमदाबाद स्टेडियम में होगी भिड़ंत। रायपुर में सुरेश रैना छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग को लेकर डिप्टी सीएम से मिले और रैना को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड जीता है, T20 के 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टीम में ही 2 पार्ट में बनेगी नीतीश तिवारी की फिल्म रामाया, और 350 दिनों में एक साथ दोनों ही पार्ट की शूटिंग करेंगे रणबीर, साई और सनी देओल। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का कहना है कि इस वक्त इंडस्ट्री में सलमान खान ही मेरे इकलौते दोस्त हैं। यामी गौतम और आदित्य धर के घर पर बेटे का जन्म हुआ, कपल ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर बेटे का नाम वेदाविद रखा है। आसान नहीं रहा चंदू चैंपियन बने का सफर, कार्तिक आर्यन ने बताया कि 1 साल तक उन्होंने मिठाई को हाथ तक नहीं लगाया। यूपी की नैंसी त्यागी कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची, खुद तैयार किया गाउन पहना उन्होंने और गुड़िया के कपड़े सिलते सिलते डिजाइनर बन गए। गेले भारत में एलएनजी परिवहन के लिए उल्गों के साथ में 14 साल का चार्टर समझौता किया, एलएनजी वाहन बेड़े के विस्तार की दिशा में कंपनी ने उठाया कदम।
इन ड्राइव के अभिनेता विक्रांत मेसी को भारत के लिए बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। विक्रांत ने इन ड्राइव का नया मार्केटिंग 360 कैंपेन अब ऐप नहीं बल्कि आपकी चलेगी लॉन्च किया। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार में निर्भरता हुई कम। शेयर में तेजी का फायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना एयूएम का बड़ा हिस्सा इक्विटी मार्केट में लगाया। डिमांड के हिसाब से फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने से महंगा हवाई किराया भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बना है। मांग में तेजी जारी रहने की वजह से आगे भी हवाई किराए में कमी की आसार नहीं है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के संयुक्त नेटवर्क किंग चार्ल्स से भी ज्यादा हो गई। गोपी हिंदुजा और परिवार है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अमीर।